निजी अस्पताल में उचित इलाज न मिलने के बाद शिकायतकर्ता द्वारा जिले के आलाधिकारी से शिकायत करने के बाद कार्रवाई न होने पर अपर निदेशक मिर्जापुर मंडल से शिकायत की। जांच के दौरान यह पाया गया कि निजी अस्पताल में अनट्रेंड स्टाफ के द्वारा इलाज किया जाता है। जिन सुविधाओं का पैसा लिया जा रहा है वह सुविधाएं उपलब्ध होने जैसे निमित्ताएं पाई गई। इसके साथ ही निजी अस्पताल के द्वारा वर्षों से अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल न कराने का मामला भी सामने आया है। इसको देखते हुए अपर निदेशक स्वास्थ्य मिर्जापुर मंडल ने अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर बंद किए जाने का आदेश मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र को दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि निजी अस्पताल और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मिलीभगत से अस्पताल को चलाया जा रहा है। वहीं इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि आदेश प्राप्त हुआ है और CMO द्वारा 3 दिन के अंदर अस्पताल को बंद करने का आदेश निर्गत किया गया है, बावजूद इसके अस्पताल संचालित किया जा रहा है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके के अंतर्गत एक निजी अस्पताल नेशनल बाल चिकित्सालय में अपर निदेशक स्वास्थ्य मिर्जापुर मंडल के द्वारा किए गए जांच के दौरान पाया गया कि अस्पताल में अनट्रेंड स्टाफ, सुविधाओं का अभाव और अस्पताल का रिन्यूअल लंबे समय से न कराए जाने का मामला सामने आया है। जिसको देखते हुए अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य मिर्जापुर मंडल ने अस्पताल के रजिस्ट्रेशन को समाप्त कर निजी अस्पताल को बंद करने का आदेश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी और निजी अस्पताल के संचालक की मिलीभगत से इस आदेश के बाद भी अस्पताल को चलाया जा रहा है। हालांकि इस मामले में निजी अस्पताल के संचालक का कहना है कि इन आदेशों के अलावा भी अपर निदेशक के द्वारा दूसरा आदेश जारी किया गया है, लेकिन यह आदेश ना तो हॉस्पिटल संचालक के पास है और ना ही CMO के पास और ना ही अभी तक शिकायतकर्ता के पास पहुंच पाए। इस पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि अपर निदेशक स्वास्थ्य मिर्जापुर मंडल के द्वारा उनको एक पत्र मिला था जिसमें जांच करने के उपरांत हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर हॉस्पिटल को बंद करने का आदेश मिला था, जिसके पालन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा भी एक पत्र जारी किया गया था जिसमें 3 दिन के अंदर हॉस्पिटल को बंद करने का आदेश दिया गया था, बावजूद इसके अभी भी निजी अस्पताल जारी है। गोपाल सिंह पूरी बात है, क्या मामला था, क्या दो सर? पहले नेशनल बाल चिकित्सालय में मेरा बच्चा एक्सपायर कर गया था और उसमें मैंने जांच के लिए काफी अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया था, बट इसमें कोई जांच नहीं बैठी और मैंने इस संबंध में जो मेरा बच्चा एक्सपायर किया है उसमें क्या बोलते हैं किस न्यायालय में प्रकरण लंबित है और इसमें हॉस्पिटल की जांच के लिए मैंने ऊपर तक दिया था मुख्यमंत्री कार्यालय तक, तो वहां से आदेश हुआ एडी साहब को। एडी साहब ने जांच किया जिसमें हॉस्पिटल में मानक अनुरूप नहीं पाया और उस मानक अनुरूप के संयोजन से यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पंजीकरण न्यस्त करने के लिए आदेश दिया है। इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी 3 दिन का उनको नोटिस दिए थे, वो नोटिस की टाइम भी समाप्त हो चुका है, बट CMO साहब मिली भगत करके उसको चलवा रहे हैं अभी तक। आदेश ने कब बंद करना था? आदेश के नियमानुसार तो 30 तारीख को, 1 तारीख को बंद करना था। CMO साहब ने बोला था सोमवार को 1 तारीख को मैं बंद कर दूंगा, उसको सील कर दूंगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा अगर संचालन पाया गया दोबारा। तो फिर भी अभी तक संचालन चल रहा है वैसे हॉस्पिटल का, CMO साहब के रमोक्रम से नेशनल बाल चिकित्सालय रावत सिंह सोमवार हमारे अपर निदेशक चिकित्सा शास्त्र विंध्याचल मंडल ने एक आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने हमें निर्देश दिया था कि बाल चिकित्सालय की जांच में कुछ विसंगतियां पाई गई हैं और इस वजह से उनको उनका निरस्तीकरण कर दिया जाए पंजीकरण का। इसके इस क्रम में मैंने नोटिस दे दिया था नेशनल बाल चिकित्सालय के संचालक को और मैंने उनसे तत्काल कार्य बंद करने के लिए भी लिखा था। 2 तारीख को अपन निदेशक महोदय के स्तर से फिर एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 3 सदस्यीय टीम उनके स्तर पर एक गठित की गई है जो इस पूरे प्रकरण में फिर से जांच करेगी और जांच किए जाने की अवधि तक अभी सारी निरस्तीकरण के बाद की किसी भी प्रक्रिया के लिए इसे सील आदि करने की कार्रवाई अभी शिथिल रखने के लिए आदेश दिया। यानी कि जब तक फिर से जांच नहीं हो जाए तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आप लोग? सर कितने दिनों में जांच पूरी हो जाएगी आपकी? ये तो यदि साहब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये जांच उनके स्तर पे हो रही है। सर शिकायत करता है कि क्या ये आरोप था कि जो इनसे जो वहाँ इलाज हो रहा है तो उनसे जो पैसे लिए जा रहे हैं वो इलाज ही नहीं हो पा रहा है। ये शिकायत करता की है, वो तो जाँच में ही सब चीजें आ जाएंगी। एडी साहब ने जांच समिति बैठाई है, 3 सदस्यीय की एक टीम बनाई है उन्होंने और वो जाँच करने के बाद ही रिपोर्ट सामने आएगी। अभी एक आदेश निर्गत हुआ है जिसमें हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई की बात कही गई है, बावजूद इसके हॉस्पिटल आपका चल रहा है। किस आधार पर चल रहा है?
हॉस्पिटल नहीं चल रहा है, ये आपको संज्ञान में देना चाहता हूँ। हमको जो है अभी एडी महोदय ने जो है 2 तारीख को जो है एक आदेश जारी किया है, जिसमें अभी जो है उस आदेश के संदर्भ में जो है सीएमओ साहब को कुछ लिखे हैं। अगर अगला कोई आदेश अगर हमको सीएमओ साहब महोदय से आता है तो मैं हॉस्पिटल का संचालन, आपके यहाँ तमाम मरीज दिखाई दे रहे हैं, दवाई हो रही है, क्या है ये सर जो है, आप इसके संदर्भ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से बात कर सकते हैं कि किसी भी डॉक्टर को ओपीडी देखने का ऑर्डर है कि नहीं है, मेडिकल काउंसिल बोर्ड जो है एक्ट के तहत जो है क्या है, अगर वो कहते हैं टोटली सब कुछ तो सब कुछ बंद कर दिया, नहीं तो सीज हो गया है ना अस्पताल आपका। ये जानकारी आप आइए, जानकारी जो है माननीय जो है जो अग्रिम आदेश आया है इसके संदर्भ में आप सीएमओ महोदय से जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या सीएमओ की अनुमति चल रहा है? अनुमति जो ओपीडी के लिए उन्होंने हमने देकर रखा है, एप्लीकेशन दिया है, उस पर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया जो है, इसलिए जो है उससे जो भी बातचीत कर सकते हैं आप वहां से मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से कर सकते हैं। ठीक है।